नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं टेकी गेमर। आज एक और नए टेक वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो ब्राउजर यूज करते हैं अपने सिस्टम में, उससे कुकीज कैसे डिलीट किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रोम ब्राउजर से। हमें क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करना है तो आपने जो भी काम किया, आप मान लीजिए जीमेल खोला आपने, फिर आपने santabanta.com खोला, तो हम ये जितने भी काम करते हैं तो इसकी एक कुकीज होती है जो कि हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप राइट साइड में आपका 3 डॉट्स है, आप उस पर क्लिक करिए, आप हिस्ट्री में जाएगा तो वहाँ पे अभी यहाँ दिखा नहीं रहा, पर यहाँ पे सारा स्टोरेज आ जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अमेजोन खोला, अब अमेजोन में जो भी हम काम करेंगे, मैंने सर्च किया JBL ईयरफोन, यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने सर्च किया वो थोड़े देर के बाद यहाँ पे कुकीज़ में सेव हो जाता है। यहाँ पे हिस्ट्री पे आके देखिए, यहाँ पे सारा हिस्ट्री में आके सेव हो गया। तो जब आपका काम फिनिश हो जाए, तो फिनिश होने के बाद आप 3 डॉट में जाके मोर टूल्स में जाएगा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करिएगा, जो आपके सामने पेज पॉपअप होगा वहाँ पे टाइम रेंज में आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है, सारे बॉक्स पे चेक करना है। और ये आपका एडवांस का है, फिर आपको बेसिक में भी आना है। बेसिक में यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करना है, सारे बॉक्स को चेक करना है और क्लियर डेटा करना है, तो आपका यहाँ पे सारा कुकीज डिलीट हो जाएगा। फिर आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डेल, आप ये करिए और उसके बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, तो भी आपका सारा कुकीज डिलीट हो जाएगा। जैसे आप दिखाते हैं 3 डॉट पे क्लिक किया, स्ट्रीम में गया, अब यहाँ पे मेरा कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा, तो आपको ये चीज़ परफॉर्म करना होगा, इससे आपकी कुकीज पूरी डिलीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं फायरफॉक्स ब्राउजर में। आपको फायरफॉक्स ओपन करना है, तीन चीज़ आपको फायरफॉक्स पे राइट साइड में 3 डैश है उस पर क्लिक करना है, सेटिंग्स ऑप्शन में आना है, उसके बाद आपको नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है, वहाँ पे क्लियर डेटा लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है, ये दोनों बॉक्स को चेक करके क्लियर पे क्लिक करना है, क्लियर नाउ। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री लिखा हुआ है, क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करके यहाँ पे लास्ट आवर होगा, आपको एवरीथिंग करना है, सारे बॉक्सेस पे चेक करके ओके करना है, ये आपका सारा कुकीज क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है, हिस्ट्री, फायरफॉक्स विल रिमेंबर हिस्ट्री, अगर आप ये चाहते हैं रिमेंबर करें तो वो रिमेंबर करेगा, नेवर रिमेंबर करना चाहे तो नेवर रिमेंबर करें, पर मोस्ट प्रोबेबली आप रिमेंबर करके आप सारा काम अपना फिनिश करने के बाद सेम प्रोसीजर है, कंट्रोल शिफ्ट डेल, एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग आए, सारे बॉक्सेस पे चेक ओके, आपके सारे कुकीज डिलीट हो जाएंगे। सेम थिंग आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ भी करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट डेल करना है, फिर वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके, ऑल टाइम सेलेक्ट करके सारे बॉक्सेस चेक करके क्लियर नाउ करना है। तो इससे आप अपने सारे ब्राउजर पे जितना भी काम किए हैं आपका सारा कुकीज क्लियर हो जाएगा।